बहुत ही मज़ेदार कहानी लेके आया हूँ। कहानी का टाइटल है असली साथी। एक व्यक्ति के तीन मित्र थे, उन्होंने जीवन भर उसका साथ निभाया। जब उसका अंतिम समय आया तो अपने तीनों मित्रों को उसने पास बुलाया और कहा, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। आप मित्रों ने जीवन भर मेरा साथ दिया है, पर क्या आप मेरे मरने के बाद मेरा साथ दोगे? पहले मित्र ने कहा, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ दिया। मैंने इस जीवन में आपके सुख चैन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, पर आपकी मृत्यु के बाद आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, इसलिए मुझे क्षमा करना। दूसरा मित्र बोला, मैं मृत्यु को चाहकर भी नहीं रोक सकता। मैंने आजीवन तुम्हारा हर एक परिस्थिति में साथ दिया है। मैं यह निश्चित करूंगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार सही तरह से हो, उसकी जवाबदारी मैं लेता हूं। पर मैं आपके मृत्यु के बाद आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तीसरा मित्र बोला, मित्र तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं कि मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा। ये तीन मित्र के नाम हैं धन, परिवार और कर्म। प्रेरक कथा से यह पता चला कि मनुष्य के कर्म ही सिर्फ मृत्यु के बाद भी उसका साथ निभाते हैं। निष्कर्ष, प्रेरक कथा से सीख मिलती है कि कर्म ही यानी कि इहलोक मनुष्य जीवन, परलोक मृत्यु के बाद दोनों लोक में साथ निभाता है। कर्म प्रधान है। आज हम हमारे जीवन में अगर किसी भी स्थिति में हैं, वह हमारे कर्म का नतीजा है। सही दिशा में कर्म करे तो जिंदगी सवर जाती है, गलत दिशा में करे तो जिंदगी बिखर जाती है। आप अच्छे कर्म के पॉलिसी को समझ जाओगे तो वह जीवन के साथ भी काम आएगा और जीवन के बाद भी काम आएगा। इसलिए अच्छा कर्म करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ पे भी जाइए और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।